आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं कि सीएम भूपेश बघेल ने यानी कि युवा दिवस के अवसर पर यह ऐलान कर दिया है कि ब्रेकिंग न्यूज आप देख सकते हैं कि सब इंस्पेक्टर भर्ती की जो प्रक्रिया थी रुकी हुई थी अब वह शुरू होगी। सीएम भूपेश बघेल ने कर दिया है ऐलान, अब तैयार हो जाइएगा दोस्तों कि अब जो 975 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया रुक गई थी उसको फिर से यहाँ पर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दोस्तों पूरी जानकारी की वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, मैं पूरी जानकारी बताने वाला हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि छत्तीसगढ़ में जो सब इंस्पेक्टर का 975 पदों के लिए जो भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी वह प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है। सीएम भूपेश बघेल ने युवा दिवस के अवसर पर यानी कि आज आपका 12 जनवरी है और युवा दिवस है, ठीक है, तो उसी मौके पर यानी कि गुरुवार को राजधानी में गांधी जी ने मैदान में आयोजित कार्यक्रम में ऐलान किया है कि इसका जो प्रक्रिया होगी जो उसको शुरू कर दी जाएगी, ठीक है, यानी कि अब देखिए यहाँ पर पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी जो कि 975 पदों पर एसआई भर्ती का जो एग्ज़ाम होने वाला था आपका 6 नवंबर को उसको स्थगित कर दिया था, उसको फिर से अब शुरू कर दी जाएगी प्रक्रिया। बहुत ही खुशी की बात है, अब तैयारी शुरू कर दीजिएगा दोस्तों। देखिए इसके अंतर्गत जो फिजिकल नाप जो कि जो प्रक्रिया पीछे 5 जुलाई को पूरी हो चुकी है वह 6 नवंबर को लिखित परीक्षा होनी थी, इससे पहले कि आरक्षण के संबंध में हाई कोर्ट के फैसले के कारण प्रक्रिया रोक दी गई थी। किसके कारण? हाई कोर्ट के जो फैसले के कारण जो आरक्षण चल रहा था उसके कारण। देखिए हालांकि इस बीच में अब पीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा और सिविल जज की जो परीक्षा का जो हुआ था, देखिए आप जैसे कि देख सकते हैं कि इसको नोटिफिकेशन जारी किया गया था, इसे लेकर अब सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा अभ्यर्थी को हाईकोर्ट जारी जाने के लिए तैयार थे, लेकिन अब सीएम भूपेश बघेल ने ऐलान कर दिया है कि अब सैकड़ों संख्या में अभ्यर्थी को राहत मिलने वाली है। यह सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है दोस्तों कि जो 975 पदों पर जो वैकेंसी निकल कर आई थी एसआई भर्ती का उसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया था। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसकी पूरी जानकारी के लिए। जैसे इसकी पूरी जानकारी मिलने वाली है तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मेरा चैनल है मैथ्स एजुकेशन बाय रुपेश सर। थैंक यू दोस्तों।